hello so let's read this question the question is when liquid medicine of density rho is put is to be put in the eye it is done uh, with the help of dropper as the bulb on the top of the dropper is pressed a drop comes forms at the a drop forms at the opening of the dropper we wish to estimate the size of the drop we first assume that the drop formed at the opening is spherical because that it requires a minimum increase in surface energy

कभी भी ड्रॉप वगैरह डाल लेते हैं ड्रॉपर को यूज़ करते हैं ठीक है तो हम उसको प्रेस करते हैं ठीक है ड्रॉपर तो उससे एक ड्रॉप बाहर निकलती है ठीक है तो ड्रॉप जब वो बाहर निकलती है तो वो एक स्पैरगल शेप ले लेती है ठीक है स्पैरगल शेप की होती है क्योंकि स्पैरगल शेप में हमारा मिनिमम इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें उसका साइज़ पता करना है ठीक है साइज पता करने के लिए हमें नेट वर्टिकल फोर्स पता करना पड़ेगा सरफेस टेंशन की वजह से ठीक है और जब उस ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आ रहा है तब तो ये ड्रॉप जो है हमको पता है फोर्स हमारा वेट से कम हो जाएगा तो फिर हमारा वो ड्रॉप गिर भी जाएगा तो इस केस में अगर इसकी रेडियस ड्रॉप की ओपनिंग ऑफ द ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आ रहा है तो हमें बताना है कि उस केस में वर्टिकल फोर्सेज होंगे वो क्या होगा ठीक है सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कन्सेप्ट हेयर तो जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पे वो है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन और वी कैन ऑल्सो कॉल सरफेस एनर्जी ठीक है सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा सरफेस टेंशन रहता है ठीक है तो पहले तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डायग्राम बना लेते हैं हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम रहने वाला है ये ठीक है तो इसमें हमारा ये पर इसका सेंटर है ये ठीक है ये हमारी जो पॉइंट है हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर बना रहा है ये ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कैपिटल आर हो रही है ठीक है ये है हमारी स्मॉल आर डिस्टेंस स्मॉल आर ये डिस्टेंस है रेडियस कैपिटल आर ठीक है ये एंगल यहाँ पर बन रहा है थीटा फॉर्म हो रहा है ठीक है ये हमारी आ, अभी हम लोग बस बना रहे हैं ये यहाँ पर एक फोर्स इस तरह से आएगा ये लाइन इसको थोड़ा सा हम लोग इसको शिफ्ट कर हैं हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आएगा ये ठीक exactly है ये फोर्स एग्जैक्टली वर्टिकल है बट डायग्राम में काफ़ी फ्री हैंड है इसलिए प्रॉपर ले गया नहीं स्ट्रेट लाइन से ठीक है ठीके? और ये एंगल भी हमारा ठीटा हो जाएगा तो ये हमारा कुछ डायग्राम है ठीक है अब यहाँ पर जो सिचुएशन ये जो हमारा स्मॉल आ है ठीक है ये इस केस में हमारा सरफेस टेंशन है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर फिगर में हमारा जो ड्रॉप है वो बाहर आएगा तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा उसके बाद में स्पेरकल ड्रॉप बन जाएगा तो इस पर जो अपवर्ड पुल लग रहा है ठीक है ये सरफेस टेंशन इसको एक्सपीरियंस करेगा दोनों साइड से ठीक है ड्रॉप जो है उसको जब वो बाहर निकलेगी तो दोनों साइड से इसको एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पर कैपिटल आर्ट जो है वो रेडियस है ड्रॉप का और स्मॉल आर्ट जो है ये जो ट्राइंगल लिया है हमारा इसके बेस का रेडियस इसका बेस है ठीक है उसका उसका रेडियस है ये बेस ऑफ द ट्राइंगल है ये जो कि थीटा एंगल बना रहा है अब हमें पता है ट्राइंगल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ठीक है तो इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा देखें तो वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा विल कम आउट टू बी दी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा ठीक है तो इस डायग्राम में जो हमारा वर्टिकल फोर्सेस होगा अगर हम उसको रिजोल्व करें तो एफ बी थीटा हॉर्जेंटल आएगा वर्टिकल आएगा वो एफ बी साइन ठीटा ठीक है वर्टिकल आएगा वो कंपोनेंट हमारा एफ बी साइन ठीटा तो हमारा जो एफ बी साइन ठीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ वर्टिकल फोर्स जो होगा दैट विल बी दी एफ साइन थीटा ठीक है एफ बी साइन ठीटा मतलब एफ साइन थीटा वर्टिकल है तो उसको इंडिकेट करने के लिए एफ बी लिख दिया अदरवाइज यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वो एफ साइन थीटा होगा ठीक है इज इक्वल टू एफ बी तो हमको पता है फोर जो होता है वो टेंशन इंटू टू पाई आर होता है ठीक है फोर जो होता है सरफेस टेंशन इंटू टू पाई आर क्योंकि सर्फेस टेंशन जो हमारी होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ अब यहाँ पर लेंथ तो सरकमेंस है तो टेंशन हो जाएगी हमारी फोर्स अपन सरकमफेरेंस टू पाई आर तो इसलिए फोर्स आएगा टेंशन इंटू टू पाई आर अब अगर हम लोग अब अगर हम लोग जो है इसके ड्रॉप के लिए देखें तो ड्रॉप के लिए इसका जो रेडियस था वो स्मॉल आर था गिवन ट्राइंगल में तो यहाँ पर स्मॉल टू बाई आर इंटू साइन ये हमारे फोर्स हो गया यानी कि वर्टिकल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाएगा हमारे इंटू साइन टीटा साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को पुट कर देते हैं आर बाई आर आएगी तो हमारे जो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी टू पाई टी इंटू स्मॉल आर आर इंटू आर बाई आर आर बाय आर 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 मिला के स्क्वायर बना लेंगे यानी कि हमारे वर्टिकल फोर्स आएगा वो आएगा टू पाई टू पाई टी इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर टू पाई टी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ठीक है